तो दोस्तों कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश एनिमल शिक्षक भर्ती हो रही है, उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @ अतुल कुमार शर्मा 09 पर पोस्ट कर दी, यहां पर शेयर की, अमेजॉन की लिंक पोस्ट की, वर्ग 3 की बुक्स, सी टेट की बुक्स, एमपीपीएससी की बुक्स, सफलता की बहुत करीब आपको ले जाती है। तो दोस्तों जो आप कमेंट करते हैं उनसे ही बनता है मेरा अगला वीडियो, और आज आपके सबसे ज्यादा कमेंट आए ईडब्ल्यूएस को, क्योंकि मॉर्निंग में मैं एक न्यूज पेपर के हवाले से आपको यह बताया कि जो सवर्ण भाई बहन है और जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं उन्हें एस करना है, और जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आते हैं उन्हें नो ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये हमारे न्यूज़पेपर में दिया गया। तो यहां से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। बहुत से जो एसटीएससी ओबीसी के भाई बहन है उन्होंने कहा कि सर काउंसलिंग में क्या हमें भी भाग लेना है और ये प्रक्रिया हमें भी दोहरानी है, तो इस बारे में बात करेंगे। साथ में जो अदर राज्य के हैं जो कि सामान्य वर्ग में गिने जाते हैं उनके मन में भी ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया कि सर इस प्रोफाइल को हमें भी अपडेट कराना है, क्या हमें भी जाकर ईडब्ल्यूएस में एस या नो को क्लिक करना है, तो इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले वो न्यूज में पढ़ देता हूं जिसमें यह बताया गया है कि आप ईडब्ल्यूएस में आते हो या ना आते हो आपको अपनी प्रोफाइल पर जाकर एस और नो को क्लिक करना है। तो पहले वो हम न्यूज पेपर देख लेते हैं जो कि दैनिक भास्कर है, ग्वालियर का एडिशन है और सीप्री का जो भाग है उस पर पेज नंबर 14 पर यह न्यूज दी गई है, यानी कि ग्वालियर का एडिशन है, सोमवार 20 जनवरी 2020 पेज नंबर 14 पर यह न्यूज दी गई है। क्या न्यूज है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, फिर इसका विश्लेषण कर दूंगा और इसके बाद जो आपके और क्वेश्चन है उनके भी मैं आंसर बिल्कुल दूंगा। तो दोस्तों इसमें लिखा है ईडब्ल्यूएस 2 फरवरी तक अपडेट करें स्टेटस। तो आपको मालूम है कि वर्ग 1 की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें ईडब्ल्यूएस वालों को चिन्हांकन किया जा रहा है, उसकी ये प्रक्रिया चल रही है और 22 जनवरी से वर्ग 2 की भी ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लोक शिक्षण संचालय द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक को भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू कर दी है। इसके लिए काउंसलिंग पोर्टल पर यूजर मैनुअल भी जारी कर दिया गया। इसके अनुसार उम्मीदवार को पोर्टल पर दिए गए ऑप्शन लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा और ऑप्शन को चुनकर यहां दी गई कैंडिडेट की लॉगिन साइनअप को ओपन कर अपनी प्रोफाइल बनानी होगी। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह प्रक्रिया 2 फरवरी तक चलेगी। इस दौरान ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेने के लिए यस और आरक्षण का लाभ नहीं लेने के लिए नो ऑप्शन चुनना होगा, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, एक एस ऑप्शन दिया गया, एक नो ऑप्शन दिया गया। यदि आप ईडब्ल्यूएस की पात्रता में आती है तो एस चुने, और यदि आप ईडब्ल्यूएस की पात्रता में नहीं आते हैं तो नो चुने। दोस्तों अब यहां से एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया कि हमारे जो एसटीएससी ओबीसी के भाई बहन है उनकी काउंसलिंग में क्या वो भी इसमें भाग लेंगे या फिर उनकी काउंसलिंग अलग से की जाएगी, उनकी काउंसलिंग कब से की जाएगी। तो सबसे पहले ये है कि जो आरक्षित श्रेणी के हैं जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है उन्हें ये प्रक्रिया नहीं दोहरानी है। जो आरक्षित श्रेणी से नहीं है, जो अनारक्षित वर्ग से है और ईडब्ल्यूएस के 10% के जो आरक्षण में आते हैं सिर्फ उन्हीं को ये प्रक्रिया दोहरानी है, यानी कि वो इसमें यदि आते हैं तो एस ऑप्शन चुनना है और यदि इसमें नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन चुनना है। दोस्तों अब यहां पर एक और बात ये कि जो अदर स्टेट के हैं वो भी जनरल में आते हैं तो क्या ये प्रक्रिया उन्हें भी दोहरानी है। दोस्तों तो मुझे यहां तक अपडेटेड हुआ है, यानी कि मुझे यहां तक सूचना मिली है दोस्तों, और जो एमपी ऑनलाइन पर काम करते हैं उनसे भी मैंने कोशिश की कि ये जानने की कि इसकी प्रक्रिया के अदर राज्य वालों को भी दोहरानी है। तो मैं आपको एक गाइडेंस के रूप में यह बता रहा हूं कि अदर राज्य वालों को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना है। यह हमारे नोटिफिकेशन में भी लिखा है, जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें भी लिखा है कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं सिर्फ उन्हें ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, और 10% सवर्ण रिजर्वेशन है, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उन्हीं को लाभ मिलना है, इसलिए उन्हीं से ये प्रक्रिया कराई जा रही है चुनने के लिए, यानी कि एक प्रक्रिया है कि जिसमें कौन कौन इस रिजर्वेशन में आते हैं उन्हें यस करना है और जो इस रिजर्वेशन में नहीं आते हैं उन्हें नो करना है। अदर राज्य वाले इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो एमपी के मूल निवासी नहीं है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे जहां तक जानकारी है कि जो डिस्क्वालिफाइड हुए हैं सवर्ण में आते हैं और भले ही उनके पास ईडब्ल्यूएस है, यदि वो अपना रोल नंबर डाल रहे हैं तो उनका डाटा नॉट फाउंड दिखाई दिया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके विज्ञप्ति में लिखा था कि जो क्वालिफाइड है सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे जॉब के लिए, ठीक है, तो उनका नॉट फाउंड आ रहा है। इसी के साथ साथ यदि अदर राज्य वाले भी अपना रोल नंबर डालते हैं तो उनका भी डाटा यहां पर नॉट फाउंड लिखा आ रहा है, यानी कि उनका डाटा शो नहीं हो रहा है, उनकी प्रोफाइल यहां पर शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले अदर राज्य वालों को क्या करना है, वैसे तो आपको एस या नो के चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो फरवरी से शुरू होगी, 20 फरवरी तक आपको रुकना
रुकना होगा, चाहे हम वर्ग एक की बात करें और वर्ग दो की बात करें तो उन्हें 5 मार्च तक रुकना होगा। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो सवर्ण जाति के भाई बहन है ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं उन्हें चिन्हांकन करने हेतु ये प्रक्रिया चलाई जा रही है दोस्तों, है ना। तो अदर राज्य वालों को सबसे पहले क्या करना है कि आप जैसे उस पर अपना रोल नंबर डालोगे, साइन अप करोगे, तो आपको लिखा आएगा कि योर डाटा इज नॉट फाउंड, और वही लिखा आ रहा है जो डिस्क्वालिफाइड है उनके बारे में भी दोस्तों। तो ये से ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये सिर्फ जो प्रक्रिया है मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं जो कि सवर्ण में आते हैं, जिन्हें ईडब्ल्यूएस का लाभ मिला हुआ है और जिनको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिला हुआ है उन्हें ही ये प्रक्रिया दोहरानी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही सभी आरक्षण गवर्नमेंट ने दिए हैं, अदर राज्य को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी अदर राज्य के भाई बहन है सबसे पहले आप खुद साइन अप करके देखें कि वहां पर आपका जो डाटा है वो फाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अधिकतर तो यही है कि आपका डाटा फाउंड होगा ही नहीं, तो आप इस प्रक्रिया में भाग ले ही नहीं सकते। सेकेंड यह है कि एमपी ऑनलाइन पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उसी में जहां पर यह प्रक्रिया आपकी चल रही है आप नीचे देखोगे तो टोल फ्री एमपी ऑनलाइन के नंबर दिए गए हैं, उस पर कॉल लगाकर आप बात अपनी रख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको पूरी गाइडेंस देंगे। तो यहां पर जो डिस्क्वालिफाइड है, भले आप ईडब्ल्यूएस में भी आ रहे हो, आपके पास प्रमाण पत्र हो, लेकिन फिर भी आपका जो डाटा है वो फाउंड नहीं होगा। वहीं अदर राज्य वाले हैं और वो यदि ये कोशिश करें कि हम यदि यस कर दें प्रोफाइल पे या नो कर दें तो वो अपना रोल नंबर डाल के देखें तो उनका भी जो डाटा है वो नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है दोस्तों, है ना। तो ये मैंने कुछ एमपी ऑनलाइन के जो केओएस के हैं उनसे जानकारी इकट्ठी की और मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो अदर राज्य वाले हो चाहे हमारे एसटीएससी ओबीसी के भाई बहनों, अभी आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया आपके लिए जनरेट नहीं की गई है, जारी नहीं की गई है, आपको 20 फरवरी तक रुकना होगा, 20 फरवरी के बाद ही आपकी प्रक्रिया शुरू होगी दोस्तों। तो यहां कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है दोस्तों कि मैं आपको सही से बता सकूं। सुबह मॉर्निंग में मैंने वो वीडियो डाला था तो बहुत से भाई बहन जो अदर राज्य के थे उन्होंने ये पूछा कि सर हमारे बारे में तो आप बता दें, तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताया था कि मैं इस पर वीडियो ले आऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास जो भी सूचना है वो इतनी है जो कि मैंने आपको न्यूज पेपर से बताई थी कि सवर्ण जाति के जो भी भाई बहन है जो मध्य प्रदेश के हैं ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो एस करें, और ईडब्ल्यूएस में नहीं आते हैं तो नो करें, अपनी प्रोफाइल को अपडेट जरूर करें। अब जो अदर राज्य के भाई बहन है उनके बारे में यही बताया जा रहा है कि उनकी जो प्रोफाइल है वो नॉट फाउंड ही दिखाई देती है जैसे ही आप अपना रोल नंबर डालेंगे दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म तो होना चाहिए ना। अब अतुल सर ने कह दिया और आपने कंफर्म मान लिया, ये भी ठीक नहीं है। तो अतुल सर की जो बात होती है उसे आप क्रॉस चेक जरूर करें, जैसे कि अतुल सर ने कहा कि आपके न्यूज पेपर में ये खबर आई है, तो ऐसा नहीं कि अतुल सर ने न्यूज पेपर आपको बता दिया कि इसमें यह खबर आई है और आप क्रॉस चेक ना करो, तो प्लीज उसे क्रॉस चेक जरूर करो। पहले तो इस न्यूज़पेपर में देख लें आप कि इसमें जो मैंने बताया वो लिखा है कि नहीं लिखा। सेकंड ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि अदर राज्य वालों के जो डाटा है वो नॉट फाउंड में ही आ रहे हैं और जो डिस्क्वालिफाइड है उनके भी डाटा नॉट फाउंड में आ रहे हैं क्योंकि वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते उस हिसाब से, तो इसको भी आपको क्रॉस चेक जरूर करना है, आपको इसको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जो भी अदर राज्य के हैं, कि आप अपनी प्रोफाइल पर साइन अप करें, अपना रोल नंबर डालें और देखें कि आपका जो डाटा है वो फाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर नॉट फाउंड लिखा आ रहा है क्या। और जो भी डिस्क्वालिफाइड लोग हैं वो भी ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं, और बाकी की जो हमारे रिजर्व्ड कैटेगरी के एसटीएससी ओबीसी भाई बहन हैं उनके लिए ये प्रक्रिया नहीं है, आपको 20 फरवरी तक रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। और जहां तक बात करें वर्ग दो की, तो उनकी भी ऐसी ही प्रक्रिया शुरू होगी 22 जनवरी से, जो कि 7 फरवरी तक चलेगी, उसके बाद फिर आपका आगे की प्रक्रिया होगी जो कि हमारी 20 फरवरी से बताई जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन ना हो, और यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में तो लिखेंगे, साथ में एमपी ऑनलाइन पर कॉल कर जरूर पूछ लें कि सर ऐसी ऐसी हमें है तो क्या इसमें अदर राज्य वाले आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो वहां से भी जो आपको जानकारी मिलेगी वो भी 100% ट्रू होगी अपने आप में। तो जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त है दोस्तों मैंने आपको शेयर कर दी है, और इसके साथ साथ दोस्तों वर्ग तीन जो है वो उसके लिए भी यही समय बचा है, यानी कि आप वर्ग एक और वर्ग दो की काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित न्यूज तो देख ही रहे हो, कोई भी अपडेट आते हैं हम लेकर आते हैं, लेकिन इस चक्कर में आप वर्ग तीन की तैयारी भी ना छोड़ें, है ना। तो वर्ग तीन की तैयारी के लिए मैंने बुक्स हैं अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी है और उन्हें भी आप देख सकते हैं। यदि मार्केट से आपको कोई बुक्स मिल रही है अच्छी और आपको अच्छी लग रही तो उसे भी परचेज कर सकते हैं। मीन्स एक ही मोटिव है कि चाहे आप ऑनलाइन खरीदें, ऑफलाइन खरीदें, मार्केट से खरीदें, कहीं कोचिंग क्लास ज्वाइन करें,
करें या ना करें या घर पे तैयारी करें, कुल मिलाकर तैयारी जरूर करें, क्योंकि वर्ग तीन आपके पास लास्ट ऑप्शन है दोस्तों। आप स्वयं जानते हो 2011 के बाद 2020 में वर्ग तीन के एग्जाम हो रहे हैं, बहुत लंबा गैप है। अगला गैप कितना लंबा होगा कोई भी अनुमान भी नहीं लगा सकता, क्योंकि 2011 में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि अगली बार वर्ग तीन 2020 में होगी, तो अब भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि अगली जो वर्ग तीन या वर्ग एक या वर्ग दो कब होगी। तो प्लीज दोस्तों वर्ग तीन को सीरियसली लें, अभी जितना समय है पढ़ाई करें, कहीं से भी कुछ भी आपको मिल रहा है उसे ग्रहण करें, अच्छे से तैयारी करें। जितनी भी आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग वीडियो थे वो मैं ला चुका हूं, कैसा सिलेबस है कैसी तैयारी करनी है वो मैंने पूर्ण रूप से आपको बता दिया है। और भी कोई जानकारी आएगी डेफिनेटली मैं अपडेट करता रहूंगा दोस्तों। तो ये वीडियो एक सूचना के रूप में था, लेकिन प्लीज मेरी आप एक रिक्वेस्ट मान लें कि वर्ग तीन में सीरियसली पढ़ाई करें। अभी भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो भटक रहे हैं कि सर कहां से पढ़ाई करें, कौन सी बुक्स खरीदें। बुक्स मार्केट में भी आ चुकी हैं, ऑनलाइन भी आ चुकी हैं, कहीं से भी ले लें, और आपके सिलेबस मैंने डाल दिया है तो उसे भी देख लें। प्लीज दोस्तों तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये जनवरी है और फिर फरवरी जो होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है, यानी कि फरवरी सबसे छोटा महीना होता है तो उसमें उतना ही टाइम मिलता है, और मार्च ऐसा है, और फिर उसके बाद आपके एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएंगे आपका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो प्लीज अभी से तैयारी करें दोस्तों प्लीज, क्योंकि वर्ग एक और वर्ग दो खराब चला गया किसी भी कारण से, वर्ग तीन में हमें बेस्ट करना ही करना है दोस्तों, है ना। तो ये सूचना आपको पहुंचानी थी, कुछ अपनी मन की बात भी शेयर करनी थी। ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।